Hello students, welcome to BBPN online classes. And from today onwards, we are going to start a new chapter and its name is foreign lands. So foreign का मतलब होता है strange land. So यहाँ पर poet जो है उसने बात की है एक ऐसे land के बारे में जो कि उसके लिए totally strange है. Okay, so पढ़ते हैं इसके writer के बारे में. So this poem is written by Robert Louis Stinson, who was born in 1850 and died in 1894. He was born in Edinburgh, Scotland. He began writing fiction as a teenager. It was the publication of Kidnapped and the Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde in 1886 that actually made him popular. So, उनके जो writings हैं that is Kidnapped and the Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde जो कि 1886 में इनकी book आई थी, इससे ये काफ़ी ज़्यादा popular हुए थे. These along with Treasure Island are stories that are popular with children even now. और इसी के साथ में एक Treasure Island करके एक उनकी book आई थी जो कि 1883 में आई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा popular हुए थी. So Robert Stevenson की ही लिखी हुई हमारी आज की जो पोएम है वो है दैट इज़ फॉरेन लैंड्स. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोएम. अप इनटू द चेरी ट्री हु शुड क्लाइम बट लिटिल मी. आई हेल्ड द ट्रंक विद बोथ माय हैंड्स एंड लुक्ड अब्रॉड इन फॉरेन लैंड्स. सो इन द फर्स्ट लाइन ही सेड दैट अप इनटू द चेरी ट्री हु शुड क्लाइम बट लिटिल मी. ही इज़ क्वेश्चनिंग कि इतनी चेरी ट्री के ऊपर तक और कौन क्लाइम कर सकता है मुझ जैसे छोटे बच्चे को छोड़कर. ठीक है, आई हेल्ड द ट्रंक विद बोथ माई हैंड्स. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट वो चेरी ट्री के ऊपर है एंड इवन उसने अपने दोनों हाथों से जो ट्री का ट्रंक है दैट इज़ जो तना है मोटा वाला उसको पकड़ के रखा है. सो यहाँ पर उसने वही कहा है कि मैंने तने को पकड़ के रखा हुआ है. एंड लुक्ड अब्रॉड इन फॉरेन लैंड्स. अब्रॉड का मतलब होता है दूर जगह पर. तो वो और मैं क्या कर रहा हूँ, दूर देख रहा हूँ फॉरेन लैंड्स को. क्यों? क्योंकि आज तक शायद उसने कभी बाहर देखा ही नहीं है, तो उसके लिए ये जो लैंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज हैं. आई सो द नेक्स्ट डोर गार्डन लार्ड. आफ्टर दैट वो चाइल्ड जो है वो कहता है कि नेक्स्ट डोर, इट मीन्स उसके नेबर में ही एक गार्डन जो है वो बना हुआ है. अडर्न विद फ्लावर्स बिफोर माई आई. और उस गार्डन में जो है बहुत सारे फूल जो हैं वो खिले हुए हैं. बिफोर माई आई, मेरी आँखों के आगे. ठीक है, सो राइटर कहता है कि नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि मेरे आगे ही, इट मीन्स हमारे एकदम नेबर में एक गार्डन है और वो जो है फूलों से भरा हुआ है. एंड मैनी प्रेजेंट प्लेसेस मोर दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर. और मैं ऐसे बहुत सारे प्लीजेंट यानी कि सुंदर दिखने वाले जगह देख रहा हूँ जो शायद मैंने पहले कभी भी नहीं देखी है. आई सो ट्रिम्पलिंग रिवर पास बाय. उसके बाद में वो कहता है, डिम्पलिंग का मतलब होता है बुलबुलों से भरी हुई. ठीक है, तो मैं जो हूँ अपने पास से गुजरती हुई नदी को देखता हूँ. एंड बी द स्काइज ब्लू लुकिंग ग्लास. और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पानी जो होता है, वाटर जो होता है, उसका कोई कलर नहीं है, लेकिन आकाश जो है वो बिल्कुल ब्लू कलर में शाइन कर रहा है. तो वहीं पर जो सेम स्काई है वो हमें पानी में रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो यहाँ पर जो चाइल्ड है वो भी यही कह रहा है कि स्काई जो है, इट मीन्स ब्लू स्काई जो है वो वाटर में क्लियरली एज अ ग्लास, जैसे कि आप ग्लास में मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, वैसे ही उस पानी में भी स्काई का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है. द रस्टी ग्रोर्स गो अप एंड डाउन विद पीपल ट्रैम्पलिंग इन टू टाउन.
उसके बाद में रोड जो है वो कैसी है, डस्टी है, धूल मिट्टी से भरी हुई है, वो ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ आ रही है। इट मीन्स जो ढलान वाला एरिया है वो नीचे हो गया और जो ढलान से ऊपर चढ़ते हैं वो ऊपर की साइड। तो जो रोड है वो इस तरीके से बनी हुई है कि लोग ऊपर और नीचे चढ़ रहे हैं, विद पीपल ट्रैम्पलिंग इन टू टाउन, और जो लोग हैं वो इस रोड के थ्रू चल के जो है वो टाउन में एंटर करते हैं। इफ़ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री फर्दर एंड फर्दर आई शुड सी, उसके बाद में जो लिटिल बॉय है हमारा इस पोइम का राइटर जो है वो कहता है कि अगर मेरे पास में और एक ऊंचा पेड़ जो है वो मुझे मिल जाता है, फर्दर एंड फर्दर आई कुड शुड सी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जितना मुझे दिखाई दे रहा है उसके भी और आगे देख सकता हूँ, टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स, और फिर मैं देखूँगा कि जो पास से मेरे नज़दीक गुजर रही है वो कहाँ पर गिरती है। स्लिप का मतलब गिरना, इट मीन्स वो कहाँ पर जाकर गिरती है, इन टू अ सी अमंग द शिप्स, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो रिवर है वो समंदर में जाके मिल जाती है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये रिवर कहाँ पर जाकर समंदर में मिलती है, जहाँ पर शिप जो है वो चलती हैं। टू वेयर द रॉड्स ऑन ईदर हैंड लीड ऑन वार्ड इन टू फेरी लैंड्स, जहाँ पर जो दूर रोड हैं वो मुझे कहाँ पर लेकर जाएंगी। पहली बार में उसने कहा कि रिवर का एंड देखना चाहता है, इट मीन्स सी को देखना चाहता है, और लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या कहता है वो कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे दोनों साइड जो रोड्स हैं वो कहाँ पर लीड करती हैं और एंड में मुझे कहाँ पर पहुँचाएंगी, फेरी लैंड्स में। Where all the children dine at 5, और उस फेरीलैंड में क्या होता है, सारे बच्चे 5 बजे जो हैं खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। And where all the playthings come alive, और जहाँ पर जितनी भी खेलने वाली चीज़ें हैं वो ज़िंदा हो जाती हैं। ये ऑब्वियसली उसकी एक विश है, फेरीलैंड जो है वो उसकी एक इमेजिनेशन है। तो वो एक ऐसी रोड्स जो कि दो जगहों पर डाइवर्ट होती है और उसका एंड लीड कहाँ पर करती है, वो फेरीलैंड्स में। और फेरीलैंड्स में बच्चे जो हैं वो 5 बजे शाम का खाना खा लेते हैं और जितनी भी प्ले थिंग्स हैं वो अलाइव हो जाती हैं। सो मेनली ये जो पोएम है ये इमेजिनेशन है एक बॉय की, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, कि वो इमेजिन करता है। शायद पहली बार उसने अपने पास का, अपने पड़ोस का जगह देखी है, वो कभी बाहर नहीं निकला है, इसलिए वो अब इमेजिन कर रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें पहला वो देखता है और दूसरा वो चाहता है देखना। सो दिस इज़ द पोएम रिटन बाय रॉबर्ट स्टिमसन। थैंक यू।